morning, student. In math, we are doing our first chapter and the name of the chapter is Where to Look From. तो हम अपना first chapter कर रहे हैं और आज हम first chapter में अपनी करेंगे book की exercise. So इसमें क्या बोला गया है बच्चों? एक मैम ने, एक टीचर हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक कार की पिक्चर ड्रॉ करने को कहा. तो सभी बच्चों ने कार की पिक्चर ड्रॉ की. इसी तरीके से अंशुल और धीरज ने भी, देखिए ये है धीरज की कार की पिक्चर और ये है अंशुल के कार की पिक्चर, उन दोनों ने भी ड्रॉ की. तो अंशुल जो है वो धीरज की कार देख के हंसने लगा. उसने कहा कि ये कार ऐसे लग रही है जैसे एक बड़े बॉक्स के ऊपर एक छोटा बॉक्स रखा हुआ हो. लेकिन जो ये कार की जो पिक्चर है ये एक ही कार की है, यानी कि धीरज और अंशुल ने एक ही कार की पिक्चर ड्रॉ की है, पर वो फिर भी इतना डिफरेंट दिखाई दे रही है. देखिए कितना डिफरेंट है. तो धीरज ने बताया कि उसने अपनी ये जो कार है इसको ड्रॉ किया था टेरेस से देख के, यानी कि छत से देखकर उसने ये कार ड्रॉ की, टॉप से देख के. तो छत से देखने पे वो कार कुछ ऐसी दिखाई दी, ठीक है, इस तरीके की दिखाई दी. तो यानी कि टॉप से देखने पर हमें ये जो कार है ये इस कार से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही है. इसी तरीके से एक ये टेबल है, ये देखिए ये टेबल है जो हमने साइड से देखा है. ये जो है ये टेबल का साइड व्यू है और साइड व्यू से हमें पिक्चर कैसी दिखाई दे रही है टेबल की, बिल्कुल डिफरेंट. और ये है टेबल का टॉप व्यू, यानी कि इसको ऊपर से देखा गया है. तो टेबल हमें कुछ एक बॉक्स की तरह ही या एक मैट की तरह दिखाई दे रही है. इसी तरीके से अगर आपके घर पर भी कोई टेबल हो तो उस टेबल से आप लगभग 3 फीट की दूरी से अगर आप टेबल को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. और अगर आप उसी टेबल के ऊपर चढ़ जाएंगे, अगर मान लीजिए आप चढ़ गए उसके ऊपर और उसको देखा, तो वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है. इसी तरीके से सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो, इमेजिन हाउ दिस थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप. तो यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख रहे हैं, ये है कुकर, ये है चप्पल और ये कोई फ्रूट है और ये एक ड्रॉर है या अलमीरा, छोटी अलमीरा है. तो ये जो है पिक्चर ड्रॉ की गई हैं. तो ये टॉप से देखने पर कैसी दिखेंगी, अगर इनको, ये साइड व्यू है ना इन पिक्चर्स का, ये साइड व्यू है, अगर इनको ऊपर से देखा जाए या टॉप से देखा जाए तो ये कैसी दिखेंगी, क्या ये ऐसी दिखेंगी? ये जो कुकर है ये ऐसा दिखेगा और ये जो स्लीपर है, चप्पल है, ये ऐसी दिखेगी? ये देखिए, यस बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी ही दिखेंगी, है ना. इसी तरीके से अब आपको ये पेज नंबर 2 पे जो एक्सरसाइज दी गई है ये आपको खुद से करनी है. इसमें देखिए क्या बोला गया है, ए कैट इज़ पीपिंग इनटू ए क्लासरूम. तो देख रहे हैं आप, ये कैट है और ये क्लासरूम में एक विंडो के थ्रू झांक रही है. कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज़. तो आप क्या इसकी हेल्प कर सकते हैं ये बताने में कि टीचर कहाँ है? ये तो ऊपर से झाँक रही है एक विंडो से, तो उसको पता नहीं चल रहा कि कौन सी टीचर है. तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सी टीचर है, ढूंढिए और उस पर सर्कल कीजिए. जो भी आपको लगता है कि वो टीचर है उनके ऊपर आपको इस तरीके से सर्कल करना है, ठीक है. इसी तरीके से ये आपको स्टेयर के कुछ, आपको वो देखिए, आपको ये स्टेयर है, ये सीढ़ियाँ हैं, ये बतानी है ये कौन सा व्यू है स्टेयर का. इसी तरीके से ये कौन सा है और ये टेबल का ये कौन सा व्यू है. ये चेयर है, आपको बतानी है चेयर का ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है, कौन सा व्यू है. इसी तरीके से ये पेंसिल और ये बस, तो आपको बताना है कि ये, और ये बॉक्स में लिखना है आपको कि ये उसका कौन सा व्यू है. नेक्स्ट आपको ड्रॉ भी करनी है अपनी पसंद की कोई चीज़. आपको यहाँ पर कोई भी 2 चीज़ आप ड्रॉ कीजिए अपनी पसंद की, उसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है आपको, ठीक है. सिर्फ आप टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कोई भी 2 चीज़ का. ओके बच्चों, गुड लक.